Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello students, I am Hasan Yadav from MB department, and today we are going to discuss on Indian political system and constitution. In this topic, we will discuss on two system, parliamentary system and federal system. So, these are some key aspects of Indian political system and constitution. In parliamentary system, we will discuss on House of People, Council of States. So, let me start about parliamentary system. As we know that the parliamentary system of government in India is based on the model of the British Parliament. British Parliament ke model pe based hai hamara parliamentary system. It consists of two houses of Lok Sabha, it means House of the People, and Rajya Sabha, that is known as Council of States. The Lok Sabha members are directly elected by the people of India, but while Rajya Sabha member are elected by the member of the state legislative assemblies. Okay, it means ki India mein government ki parliamentary system British parliamentary system ke model par based hai. हमने ब्रिटिश जैसा ब्रिटिश का पार्लियामेंट्री सिस्टम है सेम एज हमने इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम चलाया. इसमें दो सदन होते हैं, फर्स्ट आपका हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा एंड सेकंड काउंसिल ऑफ स्टेट इसमें राज्यसभा. लोकसभा के जो मेंबर हैं उनका चुनाव डायरेक्टली हम लोग करते हैं यानी भारत की जनता द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के जरिए किया जाता है. ओके, और इसमें एक पॉइंट है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. ये क्या है, इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज ड्रॉन फ्रॉम द मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा. The leader of the majority party becomes the prime minister who is the head of government. The president of India is the ceremonial head of state. The parliament council the parliament constitutions of both houses is responsible for making the amending laws. Okay, इट्स मीन्स कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव ब्रांच लोकसभा में बहुमत दल से ली जाती है, यानी कि मेजॉरिटी पार्टी से. मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, पीएम, जो कि गवर्नमेंट का हेड होता है या कहलाता है. जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेट के क्रिमोनियल हेड होते हैं. ओके, पार्लियामेंट जिसमें दोनों सदन शामिल होते हैं, कानून बनाने और उस कानून में अमेंडमेंट करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है जो भी मेंबर होते हैं. एंड थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी. द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज अकाउंटेबिलिटी टू द लेजिस्लेचर, पार्टिकुलरली द लोकसभा. If the government loses the confidence of the Lok Sabha, it can be dismissed, leading to either the formation of a new government or fresh election. It means ki executive branch Lok Sabha ke prati jawabdeh hai, accountability means jawabdeh hoti hai. Agar government Lok Sabha ka vishwas kho deti hai, dekha hoga vishwas mat hota hai, तो उसे बर्खास्त या फिर कह सकते हैं डिसमिस किया जा सकता है. डिसमिस करने के बाद जिसमें या तो नई सरकार का गठन होता है या फिर फ्रेश इलेक्शन कमीशन फ्रेश इलेक्शन कराती है. ओके, दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम.
सेकंड इज फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या है, व्हाट इज फेडरल सिस्टम? एज वी नो दैट इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, विच मीन्स दीज आर अ डिविजन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डेलिनेट्स द पावर ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू प्रिवेंट इनकॉर्चिंग ऑन वन अनदर अथॉरिटी। इट्स मीन्स कि इंडिया में गवर्नमेंट की एक फेडरल सिस्टम है, इट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीजन कर दिया गया है, बांट दिया गया है कि ये पावर आपकी है, ये पावर आपके पास है, आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल के पास और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के पास है। सो कॉन्स्टिट्यूशन एक दूसरे की अथॉरिटी पर आक्रमण करने से रोकने के लिए गवर्नमेंट के सभी लेवल की पावर को स्पष्ट रूप से बताता है, सभी को बता देगा कि स्टेट सेंट्रल ना स्टेट के पावर से छेड़खानी करे, उनके पावर कम करे और ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और ना ही स्टेट सेंट्रल के पावर से छेड़खानी करे। सो द डिविजन ऑफ पावर, द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट वन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज यूनियन लिस्ट, सब्जेक्ट ऑन द विच द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट सब्जेक्ट ऑन द विच बोथ आर लेजिस्लेट इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द सेंट्रल लॉज प्रिवेल्स। इट्स मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन डिविजन ऑफ पावर्स, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन उन सब्जेक्ट को लिस्ट करता है जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, जिसे यूनियन लिस्ट कहते हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी दैट इज नोन एज यूनियन लिस्ट। और वे सभी सब्जेक्ट जिन पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है उसे स्टेट लिस्ट कहते हैं। यूनियन लिस्ट सेंट्रल बनाएगी, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। द कंकरेंट सब्जेक्ट वे होते हैं जो दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों लोग स्टेट भी और सेंट्रल भी, जैसे कॉन्फ्लिक्ट में सेंट्रल लॉज लागू होते हैं, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो सेंट्रल लॉज। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटर स्टेट रिलेशंस। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो इंक्लूड प्रोविजंस फॉर द रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर्स, सेंटर एंड स्टेट्स थ्रू इन इंस्टीट्यूट्स लाइक द इंटर स्टेट काउंसिल एंड फाइनेंशियल कमीशन। तो इंटर स्टेट रिलेशंस का मतलब कि स्टेट और सेंटर के बीच जो रिलेशन कायम होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट्स के बीच और सेंटर व स्टेट्स के बीच इंटर रिलेशन और इंटर स्टेट काउंसिल और फाइनेंशियल कमीशन जैसे संस्थाओं के माध्यम से विवादों को हल करने का प्रावधान है, किसमें? इंटर स्टेट रिलेशंस में। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दो स्टेट के बीच या फिर स्टेट और सेंटर के बीच, तो इसे इंटर स्टेट रिलेशंस के माध्यम से हम उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो वी हैव कवर्ड द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन, दो सिस्टम थे हमारे पास, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे पास दो हाउसेस थे, फर्स्ट इज हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा और राज्यसभा, ओके। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर पे हम लोग बात कर चुके हैं, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, जवाबदेही, जो जवाबदेही होती है किसकी, कहाँ पास, किस तरीके से जवाबदेही होगी। सेकेंड सिस्टम था हमारा फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में हमने डिवीजन ऑफ पावर, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, सभी के पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, सेंट्रल को उसकी पावर दे दी, स्टेट को उसकी पावर दे दी, सेंट्रल को यूनियन को यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको उनकी जिम्मेदारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी और स्टेट को स्टेट की जिम्मेदारी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी। अब कोई एक दूसरे में इन्वॉल्व नहीं करेगा, ना ही जंप करेगा कि वो उनमें भेड़ मारे या वो उनमें जंप करके जाएं और उनके कामों को ख़राब करें। सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, सबको उनके पावर दे दिए, बस यही है कि आपका जो सिस्टम है वो सिस्टमेटिक तरीके से काम करता रहे।
इंटर स्टेट रिलेशंस में हमने समझा कि स्टेट और स्टेट के बीच कैसा रिलेशन, अगर किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो कैसे रिसॉल्व करना है, या फिर स्टेट और सेंटर के बीच, जैसे अभी कोलकाता और दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें फेडरल सिस्टम के अंडर रन होती है। सो आई एक्सपेक्ट दैट वी हैव कवर्ड दिस पॉइंट, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर किसी तरीके का कोई भी डाउट्स हो, कन्फ्यूज़न, कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम, क्वेश्चन है, तो उसे किसी भी तरीके से, किसी भी जरिए से, कमेंट के ज़रिए से, या फिर व्हाट्सएप पे आप पर्सनल मैसेज के ज़रिए से, ग्रुप मैसेज के ज़रिए से पुट अप कर सकते हैं, और डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। सो थैंक यू क्लास।